हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूस एनालिसिस। ये एक कंटिन्यूएशन है, पार्ट टू है इसका। पार्ट वन हम लोग ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर लेक्चर। स्टार्ट करेंगे हम लोग विद न्यूट्रिशन। The nutritional value of soft drinks is currently under scrutiny in many countries। बहुत सारी countries, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कि soft drinks जो होती हैं उनमें कितना nutritional है, soft drinks की nutritional value क्या है, ये अभी भी under scrutiny है। इस पर अभी भी research जारी है। Because of their sugar content and its possible impact on health। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो शुगर प्रेजेंट होती है जूस में उसका कंटेंट कितना है और उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या पड़ता है, हेल्थ पे किस तरीके से वो प्रभाव डाल रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से अभी तक सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको प्रॉपरली कह सकते हैं कि डिसाइड नहीं किया जा सका है। दैट सेड, द वैल्यू ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स मस्ट नॉट बी अंडरस्टैंड बिकॉज they are an important vehicle for dehydration। जो soft drinks हैं उनकी value को इसलिए भी नहीं अभी तक समझा जा सका है क्योंकि वो hydration के लिए एक important vehicle है, that is hydration not dehydration। जब भी अगर water का कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए body में, तो ये एक important source हो सकते हैं जो कि vehicle हो सकते हैं ताकि आपकी body में soft drinks पहुँचे और वाटर की जो कमी है उसको पूरा कर दे। The claims that are legally permitted for soft drinks vary from country to country। जो क्लेम किए जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, जो लीगल परमिशंस होती हैं वो हर देश के लिए, हर कंट्री के लिए अलग होती हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर पार्ट्स की अगर बात करें, आर लिमिटेड टू न्यूट्रिशनल क्लेम्स। ज़्यादातर क्लेम्स न्यूट्रिशनल क्लेम्स तक ही लिमिटेड होते हैं और उनमें कंसर्न होता है एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। इन चार चीज़ों का मेनली कंसर्न लिया जाता है कि उस जो सॉफ्ट ड्रिंक है उससे एनर्जी कैसे मिल रही है, प्रोटीन्स उसमें कौन कौन सी प्रेजेंट है, विटामिन्स मिनरल्स का कंटेंट क्या है। एनी फॉर्म ऑफ मेडिसिनल क्लेम, अगर किसी प्रकार का मेडिसिनल क्लेम होता है, दैट इज़ क्यूरेटिव और सिम्टोमैटिक रिलीफ, कि अगर कोई क्यूरेटिव और सिम्टोमैटिक रिलीफ होता है, विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड बाई करस्पॉन्डिंग मेडिसिन लेजिस्लेशन। देर आर थ्री मेन एरियाज ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस फॉर सॉफ्ट ड्रिंक। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंट है, न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है, उसके तीन मेन एरियाज होते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज एनर्जी। सबसे पहला एरिया है एनर्जी। सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर फॉर्मुलेटेड टू डिलीवर अ रैपिडली एसिमिलेटेड एनर्जी। कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट एनर्जी को ही आपके बॉडी में पहुंचाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आप सभी ने ORS का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा और शायद इसको लिया भी हो। ORS क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। और इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आप ORS पीते हैं वो कंसंट्रेशन दोबारा से मेंटेन हो जाती है। तो कुछ इसी प्रकार का जो एनर्जी पे बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं आपकी बॉडी में तुरंत ही पहुंचते एनर्जी बूस्ट कर देते हैं। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, बट सॉफ्ट ड्रिंक्स जनरली कंटेन सोल्युबल शुगर। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इनमें ज़्यादातर सॉल्युबल शुगर्स होती हैं, विच आर इज इजी टू एडमिनिस्टर, जो कि एडमिनिस्टर करना जिनको इजी होता है। अब आता है न्यू प्रोडक्ट ट्रेंड्स। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ कॉन्स्टेंट एक्टिविटी फॉर मोस्ट सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर्स। ज़्यादातर जो सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना एक तरीके की कॉन्स्टेंट एक्टिविटी होती है, कंटिन्यूसली ये जाती रहती है, ऑनगोइंग रहती है। फॉर द मोस्ट पार्ट
देयर आर फ्यू रियली न्यू प्रोडक्ट, ज़्यादातर पार्ट्स के लिए यहाँ पे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं. अल्टरनेटिव फ्लेवर्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैकेजिंग आर वाइड स्प्रेड, बहुत सारी फ्लेवर्स की ड्रिंक्स बनाई जाती हैं और तो और पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ये वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस होता है एंड नो डाउट विल कंटिन्यू टू बी सो, और कोई भी डाउट नहीं है कि ये इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा. अ रीसेंट ट्रेंड हैज़ बीन टू इनकॉर्पोरेट अल्कोहल इनटू सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक नया ट्रेंड चला है जिसमें किया गया जाता है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में अल्कोहल मिला दिया जाता है. ये रीसेंट ट्रेंड है, लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एडिशन, कितने लेवल तक एडिशन किया गया है अल्कोहल का, इस पर डिपेंड करके सच प्रोडक्ट्स कैन नो लॉन्गर बी क्लासिफाइड एज सॉफ्ट ड्रिंक्स. जितने लेवल का एडिशन किया गया है उस लेवल पे डिपेंड करके कि इनमें अगर अल्कोहल का एडिशन ज़्यादा पाया जाता है तो फिर इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं बोला जा सकता. और कब होता है ये? व्हेन देयर अल्कोहल कंटेंट एक्सीड 1.2% एबीवी, अगर उनका अल्कोहल का जो कंटेंट है वो 1.2% से ज़्यादा है तो ऐसी ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, उसमें क्लासीफाई नहीं किया जाता है. पैकेजिंग डेवलपमेंट्स आर लाइकली टू ऑफर सम एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर, जो पैकेजिंग डेवलपमेंट है, तरह तरह के से जो पैकेजिंग की जा रही है अलग अलग तरीके से, ये कुछ एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी को फ्यूचर में जन्म देने वाली हैं. एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर लाइकली टू रिमेन एट द फोर फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इन मेरी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक्स फोर फ्रंट पर रहने वाली हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट प्रोडक्शन में बहुत ही इनोवेशंस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, नए नए ट्रेंड्स के कंसिडर करते हुए नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं. अब आता है फ्रूट जूसेस, स्पेसिफिकेशंस आर प्रोवाइडेड इन शेड्यूल्स फॉर फ्रूट जूस विद इन द यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम में जो फ्रूट जूस होते हैं इनको कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके लिए कुछ शेड्यूल्स रखे गए हैं. तो जैसे कि फ्रूट जूस है तो शेड्यूल 2 में इसको रखा गया है. फ्रूट जूस फ्रॉम कंसनट्रेट, अगर कंसनट्रेट से बना हुआ फ्रूट जूस है तो उसको शेड्यूल 3 में रखा गया है. कंसनट्रेटेड फ्रूट जूस है तो इसको शेड्यूल 4 में रखा गया है. देखिएगा दोनों में फ़र्क है, ये फ्रूट जूस फ्रॉम कंसनट्रेट, कंसनट्रेट से बना हुआ है, और यहाँ पे जो फ्रूट जूस है वो खुद ही कंसनट्रेटेड है, तो दोनों में फ़र्क है. तो जो कंसनट्रेटेड वाला है वो शेड्यूल 4 में है और जो कंसनट्रेट से बना हुआ है वो शेड्यूल 3 में है. नेक्स्ट आता है वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रूट जूस, जिनमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है. एंड डिहाइड्रेटेड एंड पाउडर्ड फ्रूट जूस, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, बहुत फेमस है, एक सभी ने ज़रूर सुना होगा, रसना नाम का होता है, एक जूस ही होता है और पाउडर्ड फॉर्म में होता है, इसको आप वाटर में मिक्स कर देते हैं और आपका जूस बनके रेडी हो जाता है. तो कुछ इस ये तो एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन इसी तरीके से पाउडर्ड फ्रूट जूस होते हैं. The majority of fruit juice as supplied to the consumer is made by reconstituting concentrated juice. ज़्यादातर जो fruit juice होते हैं जो कि consumers को supply किए जाते हैं ये बनाए जाते हैं by the reconstitution. Reconstitute किया जाता है किसको? Concentrated juice को. Concentrated juice को reconstitute करने के बाद में fruit juice को बनाया जाता है विद वाटर. और रिकॉन्स्टिट्यूट करना किसके साथ है? रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है वाटर के साथ में. टू अ कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ ओरिजिनल स्टेट, इतना कंपोजिशन बनाया जाता है कि जो उसकी ओरिजिनल स्टेट हो जाती है, जो ओरिजिनल स्टेट होती है उस स्टेट तक ये बना रहे. हाउएवर सिंस रिकॉर्ड्स आर नॉट यूजली कैप्ट ऑफ द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल जूस, ओरिजिनल जूस की जो क्वालिटी होती है, जो एग्जैक्ट क्वालिटी होती है, हालांकि उसके रिकॉर्ड्स को नहीं रखा जाता है,
and such reconstitution normally relates to an agreed trade standard. ये जो reconstitution होता है ये एक agreed trade standard होता है. नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाती है, किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है. सो इन जनरल टर्म्स फ्रूट्स आर कलेक्टेड सॉर्टेड एंड वॉश्ड. क्या होता है, जनरली फ्रूट्स को कलेक्ट किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, अच्छे खराब फ्रूट, छोटे बड़े फ्रूट, और उनके बाद में उसकी वॉशिंग की जाती है. एंड देन सब्जेक्टेड टू अ टाइप ऑफ मैकेनिकल कंप्रेशन, और उसके बाद में मैकेनिकल कंप्रेशन किया जाता है अप्रोप्रिएट फॉर द फ्रूट कंसर्न. जो फ्रूट है उसके अप्रोप्रिएट जो भी मैकेनिकल कंप्रेशन होता है उस मैकेनिकल कंप्रेशन को अप्लाई किया जाता है. सम फ्रूट टाइप्स, कुछ फ्रूट्स के टाइप लिए जाते हैं, जैसे कि पोम फ्रूट्स हैं, लाइक एप्पल है, पियर है, ये पोम फ्रूट्स बोले जाते हैं. कैटेगरीज होती हैं फ्रूट्स की, उन्हीं में से होती है एक पोम फ्रूट. पोम फ्रूट में एप्पल और पियर्स आते हैं. तो इनके लिए क्या ज़रूरी होता है, रिक्वायर मैकेनिकल ट्रीटिंग, मैकेनिकल ट्रीटमेंट इनके लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि मिलिंग. और इस मैकेनिकल ट्रीटमेंट के साथ में कपल्ड विद अ बायोकेमिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी होती है, दैट इज इन्वॉल्विंग एंजाइम्स. इस बायोकेमिकल प्रोसेस में एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है टू ब्रेक डाउन द सेलुलर स्ट्रक्चर, ताकि जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको ब्रेक डाउन किया जा सके एंड ऑब्टेन द बेस्ट यील्ड, जो बेस्ट यील्ड है उसको ऑब्टेन किया जा सके. इट इज़ पॉसिबल टू अचीव ऑलमोस्ट टोटल लिक्विफिकेशन. टोटल लिक्विफिकेशन को अचीव किया जा सकता है बाई मीन्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट एंजाइम कॉकटेल. अगर प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट एंजाइम कॉकटेल दिया जाता है तो बहुत पॉसिबल है कि इसका टोटल लिक्विफिकेशन किया जा सकेगा. जूस फॉर कंसेंट्रेशन इज नॉर्मली सब्जेक्टेड टू स्क्रीनिंग. जो कंसेंट्रेशन के लिए जूस होता है उसको नॉर्मली स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है टू रिमूव सेलुलर डेब्रीज, ताकि सेलुलर डेब्रीज को रिमूव किया जा सके. एंड देन फेड टू ए वन और मल्टी स्टेज इवेपोरेशन प्रोसेस, और इसके बाद में या तो एक स्टेज या फिर मल्टी स्टेज इवेपोरेशन प्रोसेस में इसको भेजा जाता है टू रिमूव मोस्ट ऑफ द वाटर, ताकि ज़्यादातर वाटर को रिमूव किया जा सके एंड अदर वोलेटाइल मटेरियल, और उसके अलावा भी अगर कोई वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको रिमूव किया जा सके. इवेपोरेटर्स टुडे आर हाईली एफिशिएंट प्रोसेसिंग यूनिट्स. आजकल के जो इवेपोरेटर्स होते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और बहुत एफिशिएंटली प्रोसेसिंग के वर्क को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आता है आफ्टर कंसंट्रेशन. जब कंसंट्रेशन हो जाती है जूसेस आर नॉर्मली हेल्ड इन स्टोरेज. जूसेस को स्टोरेज कंडीशन में रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है तब तक के लिए जब तक कि दे आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब तक कि उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन ना कर दिया जाए. अब आता है एडल्ट्रेशन. द एडल्ट्रेशन ऑफ फ्रूट जूसेस हैज़ बीन वाइड स्प्रेड एट टाइम्स. जो फ्रूट जूसेस का एडल्ट्रेशन होता है ये वाइड स्प्रेड बहुत बड़ा होता गया है समय के साथ साथ में, ये काफ़ी बढ़ता गया है. एज विद एनी कमोडिटी जूस मैन्युफैक्चरर ब्लेंडर्स एंड दोज यूजिंग जूसेस एज इंग्रेडिएंट्स. जो बहुत सारे कमोडिटीज होते हैं, जो जूस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ब्लेंडर्स और या फिर जो जूस का इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, कैन सिक्योर कंसिडरेबल फाइनेंशियल बेनिफिट. वो क्या कर सकते हैं, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं. एडल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अपना बेनिफिट कमाने के लिए वो फ्रूट जूस के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं. इट शुड बी एम्फेसाइज्ड दैट फूड सेफ्टी इश्यूज आर नॉट नॉर्मली एन इश्यू इन फ्रूट जूस एडल्ट्रेशन. इस पे एम्फेसिस दिया जाना चाहिए कि जो फूड सेफ्टी इशू है ये कोई एक नॉर्मल इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है
क्योंकि अगर गलत चीज़ कंज्यूमर के पास में पहुंच जाती है तो ये कंज्यूमर को तो नुकसान कर ही सकती है, इसके साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको नुकसान कर सकती है, कंपनी की जो बनी बनाई इमेज है, जो भी जो प्रोडक्शन प्लांट है उसकी जो बनी बनाई इमेज है उसको भी खराब कर सकती है। ऑल्दो अडल्ट्रेशन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सोफेस्टिकेटेड, ये काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हो रहा है, कंटिन्यूसली सोफेस्टिकेटेड हो रहा है, इट इज़ नॉर्मली सीन एज फॉलिंग इन टू वन ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन कैटेगरीज में देखा जा सकता है, जैसे कि ओवर डाइल्यूशन ऑफ जूसेस विद वाटर, ऐसे कर दिया कि जो जूस हैं जूस में वाटर का एडिशन कर दिया, ओवर डाइल्यूशन कर दिया जूस का। नेक्स्ट क्या कर दिया, यूज़ ऑफ चीपर सॉलिड इंग्रेडिएंट्स, जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाना है वो बहुत लो क्वालिटी के डाल दिए, जैसे कि शुगर है, काफ़ी लो क्वालिटी की शुगर का एडिशन कर दिया। इसके अलावा ब्लेंडिंग ऑफ चीपर विद मोर एक्सपेंसिव जूसेस, ज़्यादा एक्सपेंसिव जूसेस के साथ में जो अच्छा वाला नहीं है और जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो बहुत चीप है, दोनों को एक साथ में ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। तो इस तरीके के जो क्राइम होते हैं इनको बोला जाता है एडल्ट्रेशन, और ये कोई भी अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कर सकता है। द डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन एंड इट्स क्वांटिफिकेशन हैव स्पेंड सम एलिजेंट साइंटिफिक टेक्निक्स, जो एडल्ट्रेशन है इसके डिटेक्शन और इसके क्वांटिफिकेशन ने कुछ एलिजेंट साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं, सम बोरोड फ्रॉम अदर फील्ड, कुछ दूसरी फील्ड से लाए गए हैं, एंड सम डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर यूज इन फ्रूट जूस वर्क, और कुछ को सिर्फ और सिर्फ फ्रूट जूस के वर्क में डेवलप करने के लिए बनाया गया है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। अदर प्रोसेसेस, अ नंबर ऑफ अदर प्रोसेसेस हैव बिकम कॉमन प्लेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट जूस, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि अब कॉमन हो चुकी हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, जो फ्रूट जूस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें वो कॉमन हो चुकी हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑरेंजेस ऑफ द वैराइटीज नावल एंड नवेलिना आर प्रोसेस्ड द जूस बिकम्स अनप्लीजेंटली बिटर, अगर ऑरेंज की दो वैराइटीज़ हैं, एक है नावल और एक है नवेलिना, दोनों ही अलग अलग वैराइटीज़ हैं लेकिन ये हैं तो ऑरेंज ही, इन दोनों को एक साथ में प्रोसेस कर दिया गया, अगर दोनों से ही दोनों को मिला के जूस बना दिया तो ये इसका बिटर टेस्ट आता है, बिकॉज ऑफ द बायोकेमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लाइकोसाइड लिमोनिन, लिमोनिन एक ग्लाइकोसाइड है, लिमोनिन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है क्योंकि जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनमें देखा जाता है कि कुछ कंसंट्रेशन इसमें शायद साइनाइड का भी प्रेजेंट होता है, तो ये बायोकेमिकल डेवलपमेंट हो गया ना, इसमें केमिकल्स प्रेजेंट हो गए जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो दो वैराइटीज के ऑरेंजेस को ही तो मिलाया लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया, इसीलिए जो प्रोसेसिंग है उसको बहुत ही एक्यूरेटली करना चाहिए। एंजाइम एंड फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट जूस, फ्रूट जूस की प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, और एंजाइम्स का यूज़ बहुत ही वाइड स्केल पे, ब्रॉड स्केल पे किया जाता है, इसके साथ ही फिनिशिंग ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं जूसेस को, जो भी बहुत सारे केमिकल्स की मदद से किए जाते हैं टू ऑब्टेन प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, ताकि कोई अगर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट आपको चाहिए है तो आप इस फिनिशिंग ट्रीटमेंट की मदद से उसको पा सकें। अनदर कॉन्टेंशियस इशू इज द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट पल्प, अगर अगले इशू की बात करें तो वो होता है फ्रूट पल्प की प्रोसेसिंग, फ्रूट पल्प अगर बना लिया गया है तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होनी है, स्पेशली सिट्रस पल्प, स्पेशली अगर वो सिट्रस पल्प है तो उसकी प्रोसेसिंग तो ज़रूरी हो जाती है। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है, द एडिशन ऑफ वाटर टू सच अ पल्प कैन गिव एन एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग अबाउट 5% सॉलिड, इसमें क्या होता है वाटर का एडिशन किया जाता है पल्प में, और इस तरीके से एडिशन किया जाता है कि इसमें एग्जैक्ट 5% सॉलिड कंसंट्रेशन तो बनी ही रहे।
विच कैन बी कंसनट्रेटेड टू अराउंड 65%, और इसको फिर 65% तक कंसनट्रेट किया जा सकता है, एंड यूज टू डाइल्यूट मोर एक्सपेंसिव प्योर जूस, और इसका यूज़ बाद में किया जाता है बहुत और भी ज़्यादा जो एक्सपेंसिव प्योर जूस हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। फ्रूट जूस इज इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में फ्रूट जूस का हमेशा से ही बहुत ही बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। फार बियॉन्ड इट्स यूज एज अ रिफ्रेशिंग सोर्स ऑफ लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ इसका रिफ्रेशिंग सोर्स की तरह यूज़ नहीं किया जाता है कि जूस पी लिया रिफ्रेश हो गए, इसके अलावा भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए। ये ह्यूमंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मेनी फ्रूट्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ माइनर इंग्रेडिएंट्स। बहुत से फ्रूट्स होते हैं जिनमें कि बहुत माइनर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम मात्रा में इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलरली विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनमें बहुत कम अमाउंट में ही सही, लेकिन एक बहुत वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ ही एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स होता है, एंड विच आर दी प्री डोमिनेंट सॉलिड कंपोनेंट। ये सबसे ज़्यादा सॉलिड कंटेंट को भी बनाने वाली चीज़ें होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये सॉलिड कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा होते हैं जूस में वो शुगर्स ही या कार्बोहाइड्रेट्स ही बनाते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स फ्रीक्वेंटली कंज्यूम्ड इन सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशंस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में कंज्यूम किए जाते हैं बाई ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, थियामिन दैट इज विटामिन B1, राइबोफ्लोविन दैट इज विटामिन B2 एंड एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन C। ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको कि सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। अब इनमें विटामिन भी आ जाते हैं, हर प्रकार का विटामिन है, जैसे कि थियामिन है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, राइबोफ्लोविन, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन C। ये सारी ही चीज़ें इसी न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो होती है जूस की उनमें आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मोर ऑब्वियस बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट जूस, जो ये बहुत ऑब्वियस से बेनिफिट हैं फ्रूट जूसेस के, सच एज बीइंग अ सोर्स ऑफ पोटेशियम, ये पोटेशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, एंड इट कंटेन्स अदर सब्सटेंसेस दैट हैव और आर क्लेम्ड टू हैव यूजफुल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। इनमें बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको कि बहुत अदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। एक अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि लिमोनिन एंड अदर रिलेटेड लिमोनाइड्स, कुछ लिमोनिन्स होते हैं जो हमने पहले देखा था कि लिमोनिन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, और इसके साथ ही कुछ लिमोनाइड सब्सटेंसेस भी होते हैं प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट आर बिलीव्ड बाई सम टू हैव अ रोल इन इनहिबिटिंग सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर। अब लिमोनिन्स और लिमोनाइड्स जो सब्सटेंसेज हैं इनका बहुत बड़ा रोल देखा गया है कि ये कुछ टाइप के कैंसर्स पे भी वर्क करते हैं। इसके अलावा जो सॉर्बिटॉल है विच अकर्स इन मेनी फ्रूट जूसेस हैव अ लैक्सेटिव इफेक्ट। जो सॉर्बिटॉल होता है एक टाइप का अल्कोहल होता है, बहुत सारे फ्रूट जूस में प्रेजेंट होता है और इसका एक लैक्सेटिव इफेक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। ट्रेडिशनल मोस्ट बिवरेजेस वर पैक्ड इन ग्लास, ज़्यादातर बिवरेजेस को ग्लास में पैक किया जाता है। ग्लास हैव मेनी अट्रैक्टिव फीचर्स, जब ग्लास में रखा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आप जूस पीने जाते हैं देखिएगा इस तरीके का कुछ ग्लास होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है ऐसे ग्लास में लाके जब जूस आपको दिया जाता है, तो बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं जिन ग्लास में इनको पैक किया जाता है। एंड नॉट लीस्ट दैट इट इज़ एन एक्सीलेंट प्रोटेक्टिव मीडियम, ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव मीडियम भी है जो ग्लास में पैक किया जा रहा है। बट इट्स ओवर राइडिंग डिसएडवांटेजेस आर इट्स वेट एंड इट्स ब्रिटलनेस। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और ब्रिटलनेस, जरा सा गिरा और ग्लास चकनाचूर हो जाता है आके।
तो ये इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द बोर्ड पॉलीमर एल्यूमिनियम पैकेज, अगर बोर्ड पॉलीमर एल्यूमिनियम पैकेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है, यूज्ड टू फॉर्म इन लाइन बॉक्सेस, इन लाइन बॉक्सेस में विच आर पैक्ड एसेप्टिकली, और इनका पैकेजिंग जो होता है वो एसेप्टिकली होता है, एंड हैज़ बीन परहैप्स द आउटस्टैंडिंग पैकेजिंग डेवलपमेंट फॉर बीवरेजेस, और ये सबसे अच्छी एक आउटस्टैंडिंग पैकेजिंग मानी गई है बीवरेजेस को पैक करने के लिए। वेरियस प्लास्टिक्स हैव बीन एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड, बहुत सारे प्लास्टिक्स को भी यूज़ किया जाता है और आगे भी उनको यूज़ किया जाता रहेगा, जैसे कि हाई एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई और लो डेंसिटी की जो पॉलीथीन्स होती हैं उनमें पैक किया जाता है, और इनको HDPE, LDPE बोला जाता है, दैट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलिन एंड लो डेंसिटी पॉलीएथाइनिल। इसके अलावा PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्ट्रीन होता है PS, एंड वेरियस बैरियर प्लास्टिक, बहुत सारे बैरियर प्लास्टिक्स भी होते हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है बीवरेजेस की पैकिंग के लिए। दीज कैन बी फॉर्म्ड इंटू बॉटल्स ऑफ कन्वेंशनल सेप, इनको फॉर्म किया जा सकता है कन्वेंशनल सेप की बॉटल्स में, और फिड इंटू मशीन्स प्रोड्यूसिंग फॉर्म फिल सील पैकेजेस, या फिर ऐसी मशीन्स के द्वारा फिड किया जा सकता है जो कि फॉर्म फिल सील पैकेजिंग को बनाती हैं, प्रॉपर सीलिंग पैकेजिंग इनके द्वारा होती है। टिपिकली कप्स, ज़्यादातर इनके लिए कप्स का यूज़ कर सकते हैं, और ये कप्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छी पैकेजिंग, एकदम सील पैकेज प्रोवाइड करते हैं जो भी आप प्रोडक्ट है जिसको कि आप पैक कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी को, वेबसाइट को, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी डाउट, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर। थैंक यू वेरी मच एवरी वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।